महापुराण की कथा कहती है, तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्षकी के प्राण छूट जाते हैं। एक विदल और उत्पल नाम के असुर आकर माता पार्वती के स्वरूप को देखकर लोभित होते हैं, कामसुक्त होते हैं। तब भगवान माँ जगत जननी जगदम्बा ने कुंदुक उठाकर प्रहार कर उनके प्राणों को हरा था, तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। शंकर जी का एक नाम कुंदकेश्वर पड़ा। महाराज शास्त्र कहता है, जिसको गठिया की तकलीफ हो जाती है या हाथ पैर में जकड़न उत्पन्न होने लगती है, कहीं बैठ जाओ तो घुटने से उठते नहीं बनता, या रात्रि को सो रहे हो तो कमर अकड़ जाती हो या पीठ अकड़ जाती हो, उसके लिए कुंदकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का पूजन कैसे करना है, तो महाराज शास्त्र कहता है, चंदन को तिल्ली के तेल में घोल कर प्रदोष के दिन शंकर भगवान के श्री विग्रह पर, शंकर के शिवलिंग पर उसको लेपन किया जाता। महाराज लेपन करने के बाद बाबा का स्नान कराया जाता है। स्नान इसमें चंदन का लेपन पहले किया जाता है बाबा को तिल्ली के तेल के साथ, और बाद में स्नान कराया जाता है। तो बाबा को शिवलिंग का स्पर्श करते हुए चंदन का लेपन, और फिर बाबा को जल का स्नान, दूध स्नान, दही स्नान, जो भी पंचामृत लेकर गए वो स्नान। स्नान करने के बाद में बाबा पर सात वृक्ष की पत्तियां, कोई से भी सात वृक्ष, आपके घर में सात पौधे जो लगे हों उसकी भी पत्तियां आप शंकर जी को चढ़ा सकते हैं। सात वृक्ष की पत्तियां और बाबा को बेलपत्र सात समर्पित करी जाती है। कहते हैं रात्रि को सोने से पहले एक बेलपत्र का सेवन जो बाबा को चढ़ाया गया है उसमें से लाकर कर लिया जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बेलपत्र को खा लिया जाता है, तो घुटने में कमर में जो जकड़न होती है या गठिया का जो तकलीफ होता है उससे धीरे धीरे निवारण होना प्रारंभ हो जाता है। कुंदकेश्वर महादेव, एक बार नाम बोलिए,